आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीएसई स्टडी बुक पे। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगें तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड हमारे जो पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मिलन कर्मकार ऑफिशियल नाम पे, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले जान लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। ठीक, नेचुरल वेजिटेशन क्या है? चलिए, नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एरिड एंड हैज़ बीन लेफ्ट डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम दिस टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन थस कल्टिवेटेड क्रॉप्स फ्रूट orchards from the part of vegetation but not natural vegetation. Okay, देखिए जो plants का जो community होता है जो naturally grow करता है उसमें human का जो involvement नहीं रहता है, ठीक है, वो naturally cultivated होते हैं, crops होते हैं, fruits होते हैं, orchards होते हैं from part of vegetation but not natural vegetation. Okay, दैट्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है भैया, वो नेचुरल वेजिटेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, इनटू ब्रॉडली कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स। ओके, डिवाइडेड इन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट वन हमारा आ जाता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है जान लेते हैं। विच ग्रो वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। देख लीजिए, एक जो ट्री होता है उसको ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें ज़रूरत होती है, वो है एयर, दूसरा होता है रेनफॉल और तीसरा होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो जहाँ पर टेम्परेचर मिलेंगे, जहाँ रेनफॉल मिलेंगे, जहाँ रेनफॉल प्लेंटीफुल होंगे, जहाँ रेनफॉल होते रहते हैं और टेम्परेचर भी प्लेंटीफुल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो परिवेश होता है वो ट्री के ग्रोन के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। देख लीजिए, अब जितना टेम्परेचर कम होगा मतलब अनुकूल रहेगा, उतना भी कम नहीं, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो उतना जो फॉरेस्ट है वो घना होगा, ठीक है, या फिर अदरवाइज कुछ कुछ जगह में हायर लैटिट्यूड में ओपन फॉरेस्ट और भी डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रासलैंड्स विच इज़ ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पर लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन मीडियम रेन होता है वहाँ पर ग्रासलैंड्स देखे जाते हैं। श्रब्स कहाँ देखे जाते हैं? नेक्स्ट आता है श्रब्स। श्रब्स कहाँ देखे जाते हैं? थॉर्नी श्रब्स स्क्रब्स एंड श्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन। देखिए, ये जो हमारा सहारा हो गया या फिर अदर्स जो हमारे रीजन्स हो गए जो बहुत हॉट हैं, ड्राई हैं, ठीक है, उस सब जगहों में ये श्रब्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले देख लीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैप में कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ये रहा हमारा मैप,
और ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है भैया, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ठीक, फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शंस में क्या देखे जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं इसके बारे में। एवरग्रीन बिकॉज देयर इज़ नो डिफाइंड टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स। देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको क्यों कहा जाता है, पहले तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं और रेनफॉल जो है प्लेंटीफुल होता है, ठीक है, टेम्परेचर मीडियम होता है और जो पानी है वो यहाँ पर ज़्यादा आता है, ज़्यादा रिसीव करता है रेनफॉल, तो उसके चलते क्या होता है, यहाँ का जो ट्रीज़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनका जो पत्ते होंगे, वो पत्तों को कोई एक्स्ट्रा ये टाइम नहीं लगती उनको सेड करने के लिए, वो ऐसे ही बहुत डेंस होते हैं ड्यू टू हाई रेनफॉल, ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर इन ग्रीन ऑल ईयर राउंड। ओके, तो क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो ज़्यादा रेनफॉल होंगी तो वो तो ट्रीज़ के लिए बहुत अनुकूल परिवेश हो गया ना, तो उसके चलते यहाँ पर जो हरियाली होती है वो अराउंड द ईयर रहती है, ठीक है। अब द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकीज, लेमूर, डियर, ठीक है, ये सब एलिफेंट्स देखे जाते हैं यहाँ पर, एलिफेंट्स, मंकीज, लेमूर्स, डियर्स देखे जाते हैं, ठीक है। द वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल ऑफ आसाम, आसाम के जो जंगल्स हैं वहाँ पर देखे जाते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस, एंड उसके अलावा भी वेस्ट बंगाल के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर भी देखे जाते हैं, बट इनके अलावा भी बहुत कुछ हैं यहाँ पर जहाँ पर प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, मैंने बहुत सारे स्पीसीज देखे जाते हैं बर्ड के, बैट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं एंड स्नेल्स, ये सब देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ कुछ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन ये हालांकि आप लोगों के बुक में उतना डीपली नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप लोग जान के रखिए ये। देख लीजिए हमारा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ना, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आता है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड आता है हमारा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड थर्ड आता है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। जस्ट ये जान के रख लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ज़रूरत नहीं है अभी, बाद में जानेंगे हम लोग सब। इट्स ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, ये क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल ये रिसीव करता है, ठीक है, जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, ठीक है, हार्ड वुड होते हैं, तो इसके लिए इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट ऑकर इन दिस रीजन आर इक्वेटर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ये जो होते हैं मैंने जो बताया था ना, जो इक्वेटर किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए ग्लोब हो गया और ये जीरो डिग्री हो गया, ठीक है, ये जीरो डिग्री हो गया, ये जो लाइन है ना जो इसको नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करते हैं, ये जो लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, ये जो जीरो डिग्री का जो ये है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ना, ये इक्वेटोरियल रीजन है और जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर देखे जाते हैं ये, ठीक। दिस रीजन्स आर हॉट एंड, सॉरी ये एंड होगा, ठीक है, एंड होगा ये, हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। देख लीजिए यहाँ पर गर्मी होती है, उतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है,
रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। मैंने क्या कहा कि ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए तीन कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं, पहले तो हो गया हमारा एयर, सेकंड हो गया हमारा टेम्परेचर एंड थर्ड हो गया रेनफॉल। देखिए यहाँ पर जैसे टेम्परेचर भी रिसीव करते हैं वैसे रेनफॉल भी रिसीव करते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो इसलिए ये हर समय घना रहता है, ठीक है, घना रहता है। और ये जो ट्रीज़ है इनके जो लीव्स होते हैं ये उनको पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या पौधे यहाँ पर देखे जाते हैं। हार्ड वुड लाइक रोज़ वुड देखे जाते हैं, एबोनी देखे जाते हैं, मेहोगनी देखे जाते हैं, ठीक है। दिस आर कॉमन ट्रीज़, ठीक है, ये कॉमन ट्रीज़ है यहाँ के। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, तो ये जो फॉरेस्ट है इनको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। दिस आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, देखिए इसका जो ये जो पार्ट है ना, ये ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट हमारा जो इंडिया का पार्ट है ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है इंडिया का, इसको कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ओके। द टर्म डेसीडियस रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ सम प्लांट्स लूज देयर लीव्स एनुअली, ओके, दे आर स्प्रेड ओवर द रीजियन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 and 200 semis, ठीक है, 70 से 200 semi रेनफॉल रिसीव करता है ये। अब देख लीजिए, दिस फॉरेस्ट आर कॉमनली एनिमल फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ठीक है, ये सब एनिमल देखे जाते हैं। देखिए इसको आप अगर पॉइंट वाइज लिख लेंगे ना एक जगह में तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज़ हमारे PDF तो आएंगे ही टेलीग्राम से, वहाँ पर से आप लोग ले लीजिएगा और इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है। ए ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नैक्स एंड टॉर्टोइज आर ऑल्सो फाउंड देयर, ठीक है, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, टॉर्टोइज ये सब देखे जाते हैं। देखिए करेंटली इंडिया इज ओनली कंट्री आज कन्फर्म हैव द बोथ लायन एंड टाइगर्स इन वाइडरनेस, ठीक है, इन इट्स वाइडरनेस। इंडिया एक लौता कंट्री है जो क्या होता है ये कन्फर्म करता है कि लायन एंड टाइगर इन एक ही जगह में पाए जाते हैं, जबकि ये कहीं पर भी एक जगह में दिखे नहीं जाते हैं। अब देख लीजिए, दिस फॉरेस्ट आर नोन एज द मानसून फॉरेस्ट, जो मैंने बताया वो एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, चलो। मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। देख लीजिए आप लोग ऐसे करके ही इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट वाइज, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आते हैं, दिस सीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। देखिए ये जो फॉरेस्ट है ना ये सीजनल चेंजेस होता है, इसमें कभी धूप ज़्यादा होती है तो कभी रेनफॉल होती है, कभी ठंड होती है, तो ये ऐसे क्या होते हैं, ये सीजनल चेंजेस ये करते हैं, इसलिए इसको मानसून फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका जो क्लाइमेट है मानसून टाइप है, इसलिए इसको मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब देख लीजिए, समझ लीजिए बहुत गर्मी हो गई, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई है, बढ़ता जा रहा है, तो ट्रीज़ क्या करेंगे, उनके जो पानी है उनके अंदर जो पानी है वो जैसे भापर होके ना चले जाए, उसके लिए उसको कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं ना उनको शेड कर देते हैं, ढक देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा आता है चौथा पॉइंट, वो आता है हार्ड वुड। देखिए टेसा लाइक साल, टीक, नीम एंड सीसम ये सब पेड़ यहाँ देखे जाते हैं। टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है, बाघ, फिर सिंह, एलिफेंट्स, लंगूर्स, बंदर, मंकी जो बोलते हैं वो सब यहाँ के कॉमन एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं। अब देख लेते हैं इसको भी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये भी आप लोगों के बुक में नहीं दिया हुआ है, ये जस्ट आप लोगों के जानकारी के लिए है। देख लीजिए ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, इसको हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। क्या क्या हो गया, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट पहला, और दूसरा क्या हो गया, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, याद रख लीजिएगा। देख लीजिए अब डेसीडियस फॉरेस्ट जो होता है कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। देख लीजिए, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। तो मिड लैटिट्यूडनल जो कोस्टल रीजन होते हैं या ये वहाँ पर देखे जाते हैं, कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट USA, ये इसको आप याद रख लीजिएगा, साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ठीक है। ये तीन एरिया में ये देखे जाते हैं, दे कॉम्प्राइज ऑफ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, ठीक है। हार्ड वुड भी देखे जाते हैं, सॉफ्ट वुड ट्रीज़ भी देखे जाते हैं, जैसे ओक, पाइन, यूकलिप्टस etc, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जो देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। तो हमारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कुछ इस तरह दिखता है, हरी भरी, ठीक, नाम से ही पता चल जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक, टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। तो फाउंड इन हायर लैटिट्यूड एरिया, देख लीजिए, ये जो पहाड़ी एरिया होता है ना, जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ये जो लैटिट्यूड है इसका, जो सरफेस है, ये समझ लीजिए सरफेस है, इसका लैटिट्यूड तो कम हो गई, जब जितना आप ऊपर जाते जाएंगे लैटिट्यूड आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो हायर लैटिट्यूड एरिया है, जो हिमालयन रीजन्स, ठीक है, विशेषकर हिमालयन रीजन्स जो हायर लैटिट्यूड है वहाँ पर ये सब मिलते हैं। दिस आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ये सब एरिया में ये मिलते हैं। दिस सेड्स आर लीव्स इन द ड्राई सीजन, सेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ये भी वो वाटर कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं, जो ड्राई सीजन में अपने जो लीव्स होते हैं उसको सेड कर देते हैं। डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर कॉमन एनिमल्स देयर, ये जनरली देखे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स लाइक फेसेंट्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। नेक्स्ट आते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाई टेम्परेचर एवरग्रीन एंड डेसीडियस ट्रीज, ठीक है। द वेस्ट एंड साउथ मार्जिन आर डिफरेंट, दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ठीक है। ये जो ईस्ट एंड नॉर्थन ईस्ट मार्जिनस है, ये जो इनका जो कॉन्टिनेंट होता है, ये कवर्ड होता है किससे, ना टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, एंड डेसीडियस फॉरेस्ट, डेसीडियस ट्रीज से ये कवर्ड होते हैं। द वेस्ट एंड साउथ मार्जिन जो है ये डिफरेंट हैं, दे आर हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस द नेम, ठीक है। तो ये जो मेडिटेरेनियन जो यहाँ पर सी है यूरोप में और एशिया में और अमेरिका में, तो इसके नाम से इसका नाम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आ गया है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज़ ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन, इन कैलिफोर्निया, इन USA, साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब रीजन में ये देखे जाते हैं। दिस रीजन्स आर मार्क्ड फॉर द हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड रेनी विंटर्स, ओके। ऑरेंज, फीज, जो साइट्रिक फूड्स होते हैं ना, जो ऑरेंज फूड्स, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमन फ्रूट्स आर फाउंड देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ, देख लीजिए इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ पर उतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखे नहीं जाते हैं। ये हो गया हमारा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट देख लेते हैं। फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड, ये 50-70 degrees लैटिट्यूड में दिखते हैं, ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इन हिमालयन रीजन, ये भी हिमालयन रीजन में दिखते हैं। ऑल्सो नोन एज टाइगा, इसको टाइगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको टाइगा भी कहा जाता है। दिस आर टॉल सॉफ्ट वुड एंड एवरग्रीन ट्रीज। तो ये क्या होता है, इनके जो पेड़ होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड वुड नहीं होते, और क्या होते हैं, एवरग्रीन होता है, ठीक है, एवरग्रीन होता है। चीर, पाइन, साइडर आर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। फौना, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, पोलर बियर आर कॉमन, ठीक है, ये सब यहाँ पर यहाँ के कॉमन है, देख लीजिए कुछ इस तरह के होते हैं ये जो रीजन्स होते हैं, कुछ इस तरह के पेड़ होते हैं यहाँ पर, लंबे लंबे देख सकते हैं।
ये क्या होता है, हाई लेटिट्यूड में होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में, देख लेते हैं ग्रासलैंड्स। देखिए ग्रासलैंड्स को हम लोग थ्री टाइप्स में डिवाइडेड करते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा हमारा आ जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड, एंड जो तीसरा है, तीसरा हमारा आता है क्या, थॉर्नी बुशेस। ठीक है, थॉर्नी बुशेस पहले देख लेते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। दिस ऑकर और आदर साइड इक्वेटर एंड एक्सटेंटल ट्रॉपिक्स। देखिए ये जो इक्वेटर जो है, इक्वेटर तो ये इक्वेटर में जनरली इक्वेटर में ये होते हैं, देखे जाते हैं, एक्सटेंड कहाँ तक करते हैं, ट्रॉपिक्स तक। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन तक एक्सटेंड करते हैं। अब दिस वेजिटेशन ग्रोन इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट लो अमाउंट रेनफॉल। देख लीजिए ये जो एरियाज है ना, ये जो वेजिटेशन है, ये जहाँ ग्रो करते हैं उसको वहाँ पर लो अमाउंट रेनफॉल होना चाहिए, लो अमाउंट रेनफॉल में ये ग्रो करते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 meters इन हाइट। देख लीजिए यहाँ पर जो ग्रास होते हैं ना, जो घास होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो सवाना ग्रास लैंड्स है ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, ऑफ द अफ्रीका ये इस टाइप के हैं। एलिफेंट, जेब्रास एंड जिराफ्स, डियर्स, लियोपर्ड्स आर कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, ये कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, तो दिस आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यूजुअली ग्रासलैंड्स आर ग्रास हेयर आर शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो है, ये मिड लैटिट्यूडनल जोन जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर देखे जाते हैं इंटीरियर पार्ट में। अब देख लीजिए जो ग्रास होते हैं, यहाँ के जो घास होते हैं वो छोटे होते हैं, उतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। एंड ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, ये घास बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। अब देख लीजिए वाइल्ड बफिलोज, बिनसंस, एंटीलोप्स, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, ये टेम्परेचर जोन में कॉमन होते हैं। अब आ जाते हैं थॉर्नी बुशेस के बारे में, दिस आर द फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्क्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। दिस वेजिटेशन कवर द स्केयर हेज बिकॉज सेंटरिन एंड स्कॉर्चिंग हीट कवर्स द स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। ठीक है, द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, ये बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेज होते हैं। ठीक है, जो पोलर रीजन होते हैं जनरली वहाँ पर देखे जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, ओनली मॉसेज, लिंचेज आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड। देख लीजिए मॉसेज, लिंचेज जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे श्रब्स होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि शॉर्ट समर बहुत शॉर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड तुंद्रा टाइप वेजिटेशन। ठीक है, इसको हम लोग तुंद्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरिया ऑफ यूरोप, ये पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, देखे जाते हैं, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके जो बाल होते हैं, उनके जो स्किन होती है, वो क्या होता है, बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या होते हैं कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वो लोग सर्वाइव कर पाएँ। अब देख लीजिए सील, वर्ल्ड रसेज, मक्स ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेज आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड देयर। ये क्या होते हैं, ये सब एनिमल्स यहाँ पर देखे जाते हैं। चलिए आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। इस कमेंट का रिप्लाई हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और इसको, ये जो कमेंट है, आपका जो डाउट है, ताकि आपका डाउट और किसी को भी ना हो, तो वो डाउट हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में सॉल्व कर देंगे। जितना ज़्यादा आप लोगों का कमेंट होगा, सपोर्ट होगा, उतना ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा होगा। हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में ज़्यादा डाउट क्लियर करवा पाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। चलिए तब तक के लिए अलविदा, नेक्स्ट भेंट होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में।
प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। चलिए, टाटा, धन्यवाद।